हकीकत में ओवरऑल ऐसा काम कोई नहीं करता। अब दोनों सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल ओके चल रही है, सिग्नल भी पूरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिशी यूको। इधर तो जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, तो नया सेटअप जो है वो लगाने जा रहा हूँ, आपको बाद में दिखाऊंगा कि कौन सा सेटअप है और क्या करना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। फीस की आप लोग जो है ना वो बड़ी करते हैं कि आप कम लेते हैं, तो आज सफर के हिसाब से हम जो है फीस लेंगे अपनी। तो बंदे पीछे आ रहे हैं, डिश वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे नई डिश जो है वो पड़ी है, इसको लेके जा रहा हूँ। इस तरफ सामान जो है वो भी डिश का अवेलेबल है, स्टैंड वगैरह सारी फिटिंग वगैरह मुकम्मल आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पूरी देखिए। मैं पहुंच चुका हूँ और डिश ये आपके सामने है, इसकी अभी फिटिंग करते हैं। ये काबले पेच आपको नजर आ रहे होंगे, बाकी इस तरफ सामान भी डिश का पड़ा है, तो इसको मैं मुकम्मल फिट करके आपको दिखाता हूँ कि फिटिंग होती किस तरह है। आप दोस्तों ने साथ साथ देखते रहना। फिटिंग गाइज हो चुकी है, अभी इसके जो नट पेच है उनको टाइट करने की है, तो जल्दी जल्दी मैं ये टाइट कर लेता हूँ। वो फिट हो गई है और इसका जो सिलेंडर का फासला है राड का, वैसे राड जो है वो 22 इंच के बन रहे हैं, जब आप इसका फोकल बना रहे हैं तो फोकल 18.5 इंच बन रहा है, जो कि बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट सिग्नल देने हैं इसमें, तो लगाना हमने इसके ऊपर के यू बैंड है, लेकिन प्लेट जो है वो सी बैंड की लगी हुई है। क्या नाम है आपके चैनल का? रजा गेमिंग 244। कौन सा? रजा गेमिंग 244। हाँ, रजा गेमिंग 244। थोड़ा सा इधर आ जाए ना, छुप रहे मेरे पीछे। हाँ, तो किस चीज का चैनल आपने बनाया हुआ है? YouTube। YouTube का तो है, रिलेटेड कैटेगरी कौन सी है? गेमिंग है। गेमिंग कौन सी गेम खेलते हो आप? कोई सी भी, बस जो भी ऑफलाइन गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, ऑफलाइन गेम, ठीक हो गया जी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ, ये मेरा है आपका नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ से आपको बेहतर नजर आएगी और लोकल एरन भी ये होती है जो आजकल मार्केट में आ रही है, वो ये है लोकल न्यू शर्ट की, इस तरह की होती है। तो साइज ऑलमोस्ट इनका बराबर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये थोड़ी अच्छी है और ये जो है आम नॉर्मल जिस तरह एरन भी एक होती है आम हल्की सी, ये आप इसके अंदर भी देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो मशीन है वो बिल्कुल छोटी है, और इसकी मशीन अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको उसके नस्बत जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। मतलब ये है बताने का, जिस तरह ये बाहर से दिख रही है अंदर भी इसी तरह ही है, तो ये आपको यहाँ से बखूबी नज़र आ रही होगी। अब इसको लगा के चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट है, सिग्नल कितनी है, ये सारा कुछ। एल एन बी जो है गाइस मैंने सेट कर लिया है। सबसे पहले आपने इस पर N66 सेट करनी है। N66 सेट करने का मकसद ये है कि आप एल एन बी की जो सेटिंग है वो अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा एल एन बी कितनी आपके अंदर आनी है, कितनी बाहर जानी है, और राड आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, मजीद सुराख आगे होंगे पीछे होंगे। अभी तक मैंने इनके नट भी टाइट किए, ये देखिए वैसे के वैसे ही हैं। तो जब सैटेलाइट हमारी क्लियर हो जाएगी, ये नट भी यहाँ लगाना बाकी है। जैसे सैटेलाइट क्लियर होती है तो फिर उसके बाद जो है इसे पेज भी टाइट करेंगे और सारा काम मैं करूँगा। तो फिलहाल बिजली जो है वो लग गई है, अभी फाइंडर अपना ऑन करता हूँ और आपको N66 सेट करके तो दिखाता हूँ। यहाँ पहले सैटेलाइट सेट करने से पहले जो है डायरेक्शन आपको दिखा दूँ बस। तो ये आप देख सकते हैं 128 डिग्री पे, यहाँ मेरी लोकेशन में एशिया जो है वो चलता है। 128 डिग्री आप देखिए कहाँ बनती है आपकी, ये तकरीबन यहाँ पर बन रही है 128, ये देखें। और डिश जो है टोटल इसकी मुखालिफ सीमत में जो है रखा हुआ है, ये आप यहाँ देखें, तो डिश इसकी मुखालिफ सीमत में है। अगर आपको 231 दिखाऊं तो ये 231 यहाँ बनती है, ये देख रहे हैं 231 पाकसट की डिग्री है और यहाँ पे पाकसट चलती है, तो ये पाकसट पे रखा हुआ है ऑलमोस्ट। ये देखें, आपको समझाने के लिए मैंने मोबाइल नीचे रख दिया है, ये 231 है। पाकसट लगाने के लिए मुझे डिश को इस तरफ करना होगा, ये देखिए ये अब तकरीबन जो है वो 231 जाविया जो है कंप्लीट हो गया है। जब हम यहाँ वीडियो कॉल लगाएंगे तो उसका जाविया मजीद जो है वो कम होगा, तो हमें लेफ्ट साइड पे जो है डिश करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, एशिया सेट करके या N66 सेट करके फिर आपने वीडियो कॉल लगानी है, ताकि आपको आसानी से सिग्नल मिल जाए। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो N66 की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, 11510 वर्टिकल 29500। डायरेक्शन अभी वही है और एल एन बी की पोजिशन भी है, देखें वही मैंने N66 वाली रखी हुई है। तो हमने इसको ये पार्क साइड पे डिश घुमा के हमने N66 की तरफ, वो N66 जहाँ पे हमारी सेट होगी उसी तरफ हमारी वीडियो कॉल भी है। तो मैं यहाँ पे इसको इसकी डायरेक्शन थोड़ी सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे ये देखिए फाइंडर के साथ डिश जो है वो अटक रही है। चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, गेमिंग के रिलेटेड चैनल है। ये देख ये आ गए हैं, अब हमारी डिश पहले कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच चुकी है ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें पहले हमारी बिल्कुल डिश इस तरफ थी मेरे हाथ की तरफ, अब उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो आ गई है। ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है 11050 हॉरिजॉन्टल 30,000। ये वीडियो कौन की है? अभी हमारी जो डायरेक्शन है राइट टाइम वो N66 की है। तो हमने क्या करना है, जब हम ये चला रहे हो N66 हमारी आ गई है, जब हमने वीडियो कौन लगानी है तो हमारी राइट साइड पर जो है सेटेलाइट की डिग्री जो है वो कम होती है, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पर नहीं करना, इसको हमने राइट साइड पर यानी दाएँ हाथ की तरफ करना है। और जो ही इसको थोड़ा मजीद नीचे करेंगे, ये लीवर वैसे तो यहाँ कम्प्लीट हो गया है, देखते हैं अगर मजीद ये नीचे जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई और जुगाड़ जो है वो हम कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक बार फिर सिग्नल देखें कि अभी हमारे ज़ीरो हैं, तो मैंने इसको मूव नहीं किया, अब मैं इसको राइट साइड मूव कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा मूव किया है सिग्नल, आप देखेंगे नीचे हमारे 14-15% जो है वो आ रही है। अभी मज़ीद मैं इसको जो है ऊपर से आप करूँगा, ये देखें तो ये 53, 57 और 87 जो है वो हो गए, और आगे से आप डिश देखें तो काफ़ी ऊपर जो है वो उठी हुई है। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे आप सिग्नल देखें तो ये फुल हो गया है, और एलन भी जो है वो लग चुकी है। ये देखें आप सिग्नल, आपको 11672 वाली फ्रिक्वेंसी का दिखा रहा हूँ, ये देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इसका। मज़ीद अंदर चल के देखते हैं कि क्या पोजिशन है, क्या सेटिंग है अंदर। रॉड इसकी जो है वो मजबूत कर लेते हैं, ईंटें जो है वो मैंने पीछे रख ली है, बाकी इसके अंदर जो है वो ट्यूनिंग हुई हुई है, आपको चैनल भी दिखाऊंगा। और ये ईंटें इन्होंने कम दी हैं, कम से कम 40 से 50 ईंट जो है वो डिश में लगती है, तब जाके आपको पता है मैं मुतमइन होता हूँ, इतनी कम ईंटों में मैं मुतमइन नहीं होता। तो खैर अभी अवेलेबल इतनी थी, ये लग गई हैं, अभी इसको तार लगा के नीचे चेक करते हैं कि हमारे सिग्नल कैसे आ रहे हैं। सेटिंग कम्प्लीट है, ये देखिए अभी हम फ्रिक्वेंसीज देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी रिसीव हुई हैं। तो ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है 15.06 का आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें यूट्यूब और ये ऐप्स हैं, ऐप्स आपको दिखा देता हूँ, एक्सट्रीम IPTV, ई विजन बोर्ड और यूट्यूब। अब यूट्यूब का नहीं पता ये चलती है ये नहीं, जब तक हम इसके साथ नेट नहीं कनेक्ट करते तब तक तो अंदाज़ा नहीं होगा। ये आ गई इंस्टॉलेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांसपोर्टर लिस्ट में। तो ये 11672 है वीडियो कॉल की सबसे वीक तरीन फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए देखें आप 74% जो है वो सिग्नल आ रहे हैं। इसके बाद ये फील्ड वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका सिग्नल तो आना कोई नहीं है। 11650 ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, इसके भी सिग्नल आ रहे हैं। इसके बाद 11164 11485 ये भी जो है यहाँ पे ज़बरदस्त चल रही है। बोडा सर्वर वाला रिसीवर है, 6 मंथ बोडा इसका आता है, और इसमें DSKM जो है वो भी 1 year की होती है। तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या नतीजा आता है, सक्सेस होती है कि नहीं। नेट अभी हमने ये कनेक्ट किया है, ये देखिए ये नेट कनेक्टेड है मोबाइल के साथ, वर्किंग एंड डेट आ गई है आपकी 2024/7/31, यानी 1 साल पूरी। और जबकि गोडा की हम बात करें तो गोडा को क्वाइड करके चेक कर लेते हैं, गोडा 6 मंथ का होता है, तो ये 6 मंथ की डेट आपको शो हो रही है, ये देखिए ये चल गए। ऊपर सेट कर लिया है, सेटिंग सारी हो गई है, अंदर से भी सेटिंग कर ली है मैंने, अब जस्ट जो है मजदूरी लेने की बारी है, पैसे लेने हैं वो लेते हैं। और आपको एक और बात बता दूँ कि ये सेटअप यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि सक्सेसफुल होगा, उसका रीज़न ये है कि ये पेड चैनल हैं सारे वीडियो को उनके, इनमें फ्री एक भी नहीं है, और साथ में सी बैंड की LNB भी नहीं लगी हुई, तो ये लोग बोर हो जाएंगे, इनको बार बार रिसीवर मैंने समझा दिया अपनी तरफ से पूरा, लेकिन फिर भी बंदा जो है वो भूल जाता है कुछ टाइम में। बच्चे हैं क्योंकि छोटे हैं, इतने अभी मेच्योर नहीं है, तो इनको याद नहीं रहेगा कि कनेक्ट किस तरह करना है, ये मसला होगा। दूसरा कि चैनल जो है वो नेट के बगैर नहीं चलेंगे, और नेट इनके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन कुछ नेटवर्क जो है वो टेलीनोर और दूसरा वो यहाँ बकवास चल रहा है, सिर्फ यू फोन पे हमने लगाया है, काफ़ी देर चला है। बात वही है कि वीडियो कॉल पेड है, इस पर कोई फ्री चैनल नहीं है, तो इनको साथ में फ्री वाले भी चाहिए। अब इसी डिश पे मैं दोबारा आ गया हूँ, इस पर N66 जो है इजाफी LNB के तौर पर सेट करते हैं, N66 सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस LNB जो है वो कहाँ आ रही है, कई ब्रांड की ये इसके बिल्कुल साथ में आ रही है, ये आपको यहाँ से दिखाऊं क्लियर करके, ये देखें आपको दोनों LNB नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल पास आ रही है, और यहाँ पे इसका सिग्नल भी ये आपको शो हो रहा होगा, काफ़ी बेहतर सिग्नल आ रहा है। कभी इसको एडजस्ट करना यहाँ पे चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लेट कटी हुई होनी चाहिए या फिर कोई रिंग लगा हुआ होना चाहिए, जिससे हमारी ये दोनों LNB बेस्ट तरीके से अटैच हो जाए। तो ये देखें इसके 30-35% अभी भी सिग्नल आ रहे हैं, मैं इसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ,
तो ये दोनों एलन भी अब मैंने चलानी है, इन दोनों को सेट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये एडजस्ट हो रही है, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप फ्रंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, बाद में इसके सिग्नल भी देखेंगे हम सेंटर के, सेंटर के हमारे वीक तो नहीं हुए। तो यहाँ ये देखें 60% आ रही है, मतलब मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने कोई इसको एडजस्ट नहीं किया, ये आप देख रहे होंगे। तो इसको यहाँ जब हम रखेंगे तो ये सिग्नल हमारा यहाँ पर ईजिली फुल हो जाएगा। ये देखिए आप, तो काफ़ी तगड़ा सिग्नल आ रहा है। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बेसिकली तो ये प्लेट को काटना चाहिए था, लेकिन ये प्लेट हम नहीं काट रहे, तो क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट है, उसकी इतनी मजबूती नहीं होती। गाइस ये देखें एलन भी मैंने यहाँ फिट कर लिया है, इसको फुल एडजस्ट कर लिया है। सिग्नल अगर आप नीचे देखें तो सिग्नल जो है ये भी फुल आ रही है ऑलमोस्ट, और 11510 वाली फ्रिक्वेंसी, 11470 जो वीक है वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये 11470 जो वीक फ्रीक्वेंसी है उसका सिग्नल भी आप देख सकते हैं 75%, यानी सेम आ रहे हैं दोनों के। रेडी फ्रीडिश हमारे यहाँ ओके है। अब सिर्फ चेक करना ये है कि क्या हमारी वीडियो कॉल उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं, उस पर कोई मसला पड़ता है सिग्नल का, सिग्नल उसका वीक होता है या नहीं। तो ये भी आपको उसमें से तार खोल के इसमें लगा के दिखाता हूँ। नीचे से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, नीचे से ये यूँ लग रही है, देख लीजिए आप। तो तार खोल के वीडियो कॉल में लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। गाइस ये देखें वीडियो कॉन का सिग्नल जो पहले आ रहा था उससे भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। 11672 जो कि वीक फ्रीक्वेंसी है उसका अब 97% आ रहा है, और 11050 इसका पूरा 100 ये देखें, और इसके अलावा 11483 के भी फुल हैं। और एक बार फिर ये 11090 वाली फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं डिश टीवी की, डीडी फ्री डिश की, और आपको दिखा देता हूँ तार खोल के उसमें से लाइव, क्योंकि वो तार जो है मैंने ऑफ कैमरा लगाई थी, ऑफ कैमरे पे फिर एतराज़ होता है कुछ दोस्तों को, तो हम ऑन कैमरा लगा लेते हैं। ये देखें ये ऑन कैमरा तार लग गई, और ये आप सिग्नल देखें, आपको दोनों के सिग्नल नज़र आ रहे होंगे 80% आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी ऊपर देख लें आप 11090 वाली है। तो ये दोनों सैटेलाइट जो है वो हमारी ओके हो गई है। डीडी फ्री डिश की ट्यूनिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, टोटल 17 फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये चैनल जो है 236 आ चुके हैं, इनको सेव कर लेते हैं। सबसे आखिर में मजदूरी आपको दिखा दूँ, 5, 6, 7, 8 और 900 300 रुपए जो हैं वो LNB के हैं, और 200 रुपए जो हैं वो हमारे पेट्रोल के हैं, बाकी 400 रुपए मजदूरी ली है। वहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो हमारी बहन ने मुझे जो है पैसे दिए हैं बराह रास्त, उन्होंने खुद, तो उनकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, इसलिए आपको अलग वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। सेटिंग मैंने सारी कंप्लीट कर ली है, वीडियो कॉल भी चल गई, डीडी फ्री डिश भी चल गई। अगर यहाँ कोई और बंदा होता तो वो 100% ये कहता है 2 फुट की छोटी डिश लेके आए, मैं उस पर आपको NSX चला देता हूँ। कभी भी वो बंदा इस तरह का काम ना करता, हकीकत में ओवरऑल ऐसा काम कोई नहीं करता। अब दोनों सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल ओके चल रही हैं, सिग्नल भी पूरे आ गए हैं, बंदे भी मुतमिन हो गए हैं। तो अब हम घर की तरफ रवाना होते हैं ताकि फिर ये वीडियो जल्द से जल्दी एडिट करके अपलोड करें। वीडियो शार्ट शार्ट इसलिए रखता हूँ ताकि इसकी लेंथ कम बने, अगर मुकम्मल व्लॉग बनाऊँ तो ये 20 मिनट तक कम अज़ कम बनेगा, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि वीडियो का तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, दो मिनट याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।